आपां देश मैं नवां उडारी। ऐसी कैसी दुश्मनी यार महर, तूने उसका जॉब छीन लिया उससे, वो अपने घर की अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेगा? तू तो उससे मुझसे बदतमीजी करने से पहले सोच रहा था। और तूने कुछ नहीं किया था? तूने बदतमीजी नहीं की थी उसके साथ? महर, मैं तेरी ना मर्दों से नफरत समझ सकती, लेकिन तू अपनी नफरत में इस हद तक चली जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तूने गलती की है, उसे सुधार ले, उसकी जॉब उसे वापस दे दे। नहीं हान, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी गलती की सजा तो उसे मिल के रहे। सजा सिर्फ उसे नहीं मिल रही महर, उसके पूरे परिवार को मिल रही है। उसके घर में माँ बाप भाई बहन सब है, कैसे उठाएगा वो सबके खर्चे? ओह, तो सब कुछ जानती है उसके बारे में। आजकल खेती बाड़ी की जगह उसके घर वालों के बारे में रिसर्च कर रही है तू? पता है मुझे सब कुछ उसके बारे में, क्योंकि उसके घर गई थी उसे थैंक यू बोलने के लिए। यही बताने की कोशिश कर रही हूँ तुझे, वाइन शॉप के बाहर कुछ गुंडे मुझे परेशान कर रहे थे। सरबजीत वो इंसान है जिसने मुझे बचाया था महर, वो बुरा इंसान नहीं है। बस यार तुम दोनों के मिलने की टाइमिंग हमेशा गलत रही। वाओ हानिया वाओ, आज एक स्ट्रेंजर हम दोनों के बीच में आ ही गया ना। तूने कहा था ना कि हमारे बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। महर, हमारे बीच कोई लड़का नहीं आ रहा है, तेरी ईगो आ रही है। उस लड़के की जगह कोई और भी होता ना तो भी मैं तुझे गलत बोलती, क्योंकि तू गलत है महर। ऐसी कैसी नफरत तेरी, ऐसे कैसा गुस्सा, इस गुस्से में तू किसी की जिंदगी खराब कर देगी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर गेस्ट आने वाले हैं। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं मम्मा, जस्ट सिस्टर्स टॉक। अब क्या हम अकेले बात भी नहीं कर सकते? कर सकते हो पर अभी नहीं, अभी चलो बाहर। वी आर कमिंग मम्मा। देखा ना, उस सरबजीत से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए इवेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बात आज खत्म हो गई। प्लीज हान्या, तुझे मेरी कसम, हम आज इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और प्लीज हाँ, तू मम्मा को कुछ नहीं बताएगी, ओके? चल जा, अब अपनी बुद्धि थोड़ी सही करके आ जा, मैं जाती हूँ नीचे, ओके? अच्छा हान्या सुनना, मैंने ना मम्मा के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया था लंदन से, वो नीचे आ ही गया है, तो तू एक काम कर, मम्मा के साथ जाके नीचे गेस्ट को रिसीव कर, मैं गिफ्ट लेके आती हूँ, ओके? बेचारा सर, पता नहीं अपने घर के खर्चे कैसे उठाएगा। बढ़िया, सारे पहुंच गए। चाची जी शुक्र है आप नजर तो आई, मुझे लगा पता नहीं आप कहाँ चली गई। आपके गले में नेकलेस था ना सुबह आपने पहना था, वो नेकलेस कहाँ गया? मेरा नेकलेस? Nice is meeting you, जी। जी चंगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल चंगा। सत श्री अकाल, फिर मिलते हैं। हाँ जी। तो इस मुन्नी ने तो नहीं? ओए रुपो। हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पता नहीं वहाँ सरब जॉब के लिए कहाँ कहाँ भटक रहा होगा, मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैर्गेन! कौन है भाई? ओ मैर्गेन! ओ कौन है भाई, क्या करना है? ओ मैर्गेन चाहे, मुझे उससे बात करनी है। ओ कर की रहा तू, की कर मैं तेनू मैर तो? ओ देखो सर जी, ओ जी बोलना बहुत हो गया, अब मैं करूंगा। ओ बुलाओ उसे। ओ सुन लिया? ओ वैसे ना तुम्हारी हरकतें ऐसी है ही नहीं कि कोई खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाए। ओ वो तो आसमा मैडम ने बुलाया इसलिए मैं आ गया। वैसे ना हूं आना स्वाद, जब रोज तुम्हारा मुझसे सामना होगा, रोज तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी और रोज तुम्हें गुस्सा आएगा। और तुम्हारी हरकतें मैं बर्दाश्त करूंगा नहीं। हाँ, उसे मैंने ही रखा है नौकरी पे। और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मम्मा आप उस सरब को बिल्कुल नहीं जानती हो, मैं जानती हूँ। एक नंबर का चीपड़ा और बदतमीज इंसान है वो। मम्मा मैं उसे अपने ऑफिस में ना बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। वो ऑफिस मेरा भी है महर। 51% की पार्टनर हूँ मैं कंपनी की। मम्मा
मुझे पता है आपके पास 51% शेयर है, पर यहाँ ऑफिस में सबकी शक्लें तो मुझे देखनी पड़ती है ना। उसकी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है, और बहुत सोच समझ के रखा है उसने मैंने कंपनी। यू नो, सरब ने कक्कर की कंपनी में 4 महीने में सेल्स डबल कर दी थी। अब उसे सेल्स डिपार्टमेंट में एक रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पर रखना हमारी कंपनी के लिए भी फायदेमंद होगा। अब जाके उसे काम समझा दे। एटलीस्ट उसे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है वो तो मुझे डिसाइड कर लेने देती। सरब, तेनू ते मैंने याद दिला देना है रब। जी मैडम जी तो गुस्सा होके चली गई, और मुझे करना क्या कौन बताएगा। चलो आप ही बता दो क्या करना है। और मेरा मतलब है वो कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है। आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट। मैंने डिसाइड किया है कि तुम फिनिशिंग डिपार्टमेंट में काम करो। तुम्हें प्रूव करना होगा कि जो भी मैं तुम्हें काम देती हूँ वो तुम ढंग से करते हो या नहीं। मेहर, सेल्स की एक्सपीरियंस है इनको, फिनिशिंग डिपार्टमेंट। मॉम ने मुझे कंपनी कुछ सोच समझ के और भरोसा करके दिया हानिया, तो उस भरोसे पे भरोसा रख और मुझे अपना काम कर ले। ये यूनिफॉर्म, यहाँ के सारे एम्प्लॉयज यही पहनते हैं, और तुम्हें भी यही पहन के काम करना होगा। और हमारी कंपनी के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो तुम्हें फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, एक दिन छुट्टी लेने पे 3 दिन की सैलरी कटेगी। रूल नंबर 2, टाइम से आओ टाइम से जाओ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए पंचुअलिटी पे। रूल नंबर 3, ओ मैडम जी, ओ जी पढ़ा लिखा हूँ मैं और खुद पढ़ लूंगा, और आप ऐसे ही थक जाओगे हैं। हाँ ना, मैं बाकी ऑफिस मैं आपको दिखा देती हूँ। आज ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट चलते हैं। जी चलो। एक मिनट, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। ये हमारी बुकलेट है, इसमें डिपार्टमेंट की सारी डिटेल्स हैं, क्लाइंट्स, मशीनरीज एक्सेट्रा। अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैं कुछ भी कभी भी पूछ सकती हूँ। नो प्रॉब्लम मैडम जी। स्कूल में ना टीचरों का फेवरेट था मैं, फेवरेट। मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ, ओके? और आप मेरी क्या? और आप तो किसी की भी टीचर नहीं हो सकती। और टीचर तो बड़े स्वीट और प्यारे होते हैं। और आप? मैं तो ऑफिस दिखा देती हूँ आपको। चलो। बड़ी अकड़ है ना ऐसे। आज तुम ऐसे ऐसा काम दूंगी, या तो ये अपनी अकड़ छोड़ देगा या जॉब। सर अब रब्बा। मम्मी तू बिल्कुल ठीक हो तो फिर मुझे इमरजेंसी में क्यों बुलाया? ओ सैली, ओ लिली किथे? चाट लेन गई है। ओ यार, वो आप लोगों ने मुझे यहाँ चाट खाने के लिए बुलाया है। नहीं खोते, तुझे चाट खाने वास्ते नहीं बुलाया है। फिर वो यहाँ रेस में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। हाँ। रेस यहाँ पर ना पिट्ठू की रेस चल रही है, मतलब कि बंदे को पिट पे उठाकर ऐसे दौड़ लगानी है। हाँ। ओफो मम्मी, वो मेरा पहला दिन था ऑफिस का, वो मेरा काम भी खत्म नहीं हुआ था और आपने मुझे यहाँ बुला लिया। टुमारो काम खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं मैडम जी, मेरे कहने का मतलब है कि टुमारो ये रेस थोड़ी ना होगी। तुझे पता है सरब, जीतने वाले विनर को 2-2 गोल्ड की चेने मिल रही है। अपनी सैली और लिली के ब्याह के काम आ जाएंगी ना। समझ क्यों नहीं रहा है, मैं तेरी भलाई के लिए तो बोल रही हूँ, तेरा ही बोझ कम होगा ना है? मैंने तेरा नाम भी लिखा दिया है, अब क्या तू अपनी मम्मी के लिए इतना भी नहीं कर सकता है? वो आपके लिए तो जान हाजिर है। ओ चलो ठीक है, करता मैं रेस। आले। तो पार्टिसिपेंट्स तैयार है, 10 मिनट में रेस शुरू होने वाली है। 10 मिनट जित के आने तूने बस। चार। ओ। ईट्स मम्मी, पता है जो भी पार्टिसिपेंट्स है ना, नाले चाट फ्री है। ओ तुझे खाओगे? तुम लोग यहाँ खड़ी खड़ी क्या डफ रही हो, जाके 2-4 प्लेटें और लाओ ना, राती खाना नहीं बनाना पाएगा मेनू। जाओ जाओ जाओ। सही क्या? जल्दी जल्दी चलो, रेस स्टार्ट होने वाली है। और मेरे को पिट्ठू तो हैगा नहीं, उठाऊंगा किसे? ये है ना